आप सबको खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस मीठे और अजीम नाम में बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। आमीन। आज का दिन बाबरकत दिन है। और बाबरकत तब होता है जब हम बरकत की एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। आमीन। यस। व्हेन वी कम विद द एक्सपेक्टेड हार्ट, जब उम्मीद रख के आते हैं, तब हमारे लिए आसमान से खुदा की मुबारक मुट्ठी खुलती है। खुदा वहीं पे होता है, लेकिन खुदा बरकत देने के लिए तैयार, लेकिन बरकत लेने वाले जब तक अपने आप को उस उम्मीद के साथ मांगते नहीं या अपने दिल के दरवाजों को खोलते नहीं है, तो खुदा का हाथ जो है वो बढ़ता नहीं है। कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं है कि खुदा देना नहीं चाहता, खुदा उससे अपना उस वो जो खुदा का और हमारा रिश्ता है उसको देखना चाहता है कि क्या ये मुझसे बाहसियत अपना आसमानी बाप समझकर मुझसे मांगते हैं कि नहीं। सो जब हम मांगते हैं तो खुदा बड़ी खुशी के साथ हमें देता है। आमीन। खुदाओं के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि ऐ लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कत क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चले मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावन, ऐ मेरे बादशाह और ऐ मेरे खुदा, तेरे मजबों के पास गुराया ने अपना आशियाना और अबाबिल ने अपने लिए घोंसला बना लिया है, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सय्यून की शाहराहें हैं, वो वादिये बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सय्यून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। हालेलुया। खुदा उनके जिंदा कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जब खुदा की हजूरी में हम अपने आप को लेके आए हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए हम सब खड़े हों और बुलंद आवाज के साथ अपने आसमानी बाप के कानों तक अपनी फरियाद की आवाज पहुंचाएं। हालेलुया। एवरी माउथ शुड ओपन, हर एक जुबान खुल जाए और हम मिलकर दुआ करें। मैं चाहूंगा कि असलूत ने लीड करें अपना दुआ में, ताकि हम आगे बढ़े।
bless the name of Yeshua. Let your glory shine. Let your holy angel encamp around this place. Yes, Lord. Anointed may be his blessed. Please forgive us. Stop your mother's side. Shall we make? Yes, Lord. 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 Yes, हमारी मर्जी नहीं, पाक मर्जी हमारे बुजुर्ग बाप की हरे की जान जो सारे जहान का मालिक और हमारी है, जो हर जगह मौजूद है, हर चीज पर इख्तियार रखा हुआ है, हालेलुया, और हर जगह मौजूद हुआ है, उसी के जिंदा नाम में हम वही इख्तियार वही हकीकत है, सारा वही अख्तियार उसके पास है, बेशक इन यीशु मसीह से आमीन. प्रेज गॉड. प्लीज बी सीटेड. आमीन. खुदा के लिए जोर से ताली बजाएं. यस गॉड. हालेलुया. आमेन. आप सब खुश हैं आज? यस. हालेलुया. आमेन. जीसस वी लव यू. जितने भी बहन भाई हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, एक एक बहन भाई के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा उनका पाक रूह आज हर जगह पे कसरत से काम करे. एक एक को जिंदा लहू में डुबो देते हैं. एक एक के घरों के चारों तरफ खुदावन के लहू की बाढ़ लगा देते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. खुदा पाक रू आपकी मर्जी पूरी हो. आपकी मर्जी पूरी हो. हालेलुया. आपकी मर्जी पूरी हो. आपकी मर्जी पूरी हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए सब खड़े होते हैं और खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के पास उन्हें दाखिल ना रहे. तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पहचान. तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी सब मिलके कहे तेरे परों की छाँव में. तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती है. तेरे कदमों में बैठा और Hallelujah.
Thank you.
अपनी जिंदगी में उसकी प्रेजेंस को मांगते हैं।
Amen. तो उसकी प्रेजेंस जब हमारे खुदा उनका पाकू हमारे अंदर हमारे ऊपर होता है, लेकिन जब उसकी प्रेजेंस आती है तब उसका जो गहरा मस्सा है वो हमें छूना शुरू करता है, तब बंधन टूटते हैं, तब सोचे तब्दील होने शुरू होते हैं। Thank you.
Come on, man.
give you praise, Jesus. Shama, shama, kata, ro, shakai, namo, suboli. Ore, chana, pala, pala. Me, guru, vatsi, nahi. Tere, shakai, ro, shakai, namo, suboli. Man, ki, nahi, basa, hai. Ya, krishmo, ke, na, pala, pala. Rakhai, namo, suboli. Hey, kuda, vani. Oh,
जितना भी ईमान है, तो इस पहाड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में जा गिर, और वैसा होगा। ये पहाड़ भी, जो भी पहाड़ आपके हैं उसे कहें, मुसीबत के पहाड़, बीमारी के पहाड़ या कोई कामकाज के पहाड़ जो है उसे बोलना शुरू करें यीशु के नाम में। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ Yeah,
receive it. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yesu ke naam mein kudrat paida hui hai. Yesu ke naam mein kudrat paida hui hai. Yesu ke naam ke zor se har cheez jo namumkin cheez hai wo वजूद में आती है वो चीजें यीशु के नाम के लिए खुदावन ये नाम आसमान से दिया गया नाम और उस नाम में खुदावन कुदरत जो है वो आपके बेटे ने धब्बा धारी करके उस कुदरत को हासिल किया। हम शुक्र गुजारी करते हैं आज जब हम आपके साथ वो ही वफादारी दिखाएं तो वो ही कुदरत वो ही जलाल वो ही मस्सा हमारे ऊपर भी काम करता है और हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। सारा जलाल आपको देते हैं खुदा माकरू। अब जो भी कलाम की बात आप आज करना चाहते हैं जो भी आज हमसे बात करना चाहते हैं हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम खुदावन अपने आप को खाली करते हैं। हम तमाम जितने भी बहन भाई बेटे बेटियां यहाँ पे बैठे हैं सबकी रूह जिस्म जान की जमीन को आपके जिंदा लहू में डुबो देता हूँ। किसी के कानों को गंदी रूह हो किसी के कानों को बंद करने की जरूरत नहीं कर सकते भी हम आपको सबको कलाम की रोटी खिलाने के लिए इनकी भूख जो है वो और बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और खुदावन के नाम के जवाब मिले। यीशु मसीह नाम से आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। एक हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू रीड जस्ट वन वर्स। इस गलातियों चैप्टर 6 गलातियों का छठा अध्याय उसकी 70वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गलातियों चैप्टर 6 और उसकी 17वीं आयत जो है मिल गया सबको जी। भैयारों को आप पढ़ते हैं इसको प्लीज। जी मैम। सत्तर भी आए गलतियों 6:1। हालेलुया। गलातियों चैप्टर 6 उसकी 17th वर्स। आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। हालेलुया। आमीन। मेरे पीछे कहें आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे। कोई मुझे तकलीफ ना दे। फिर से कहें आगे को कोई मुझे तकलीफ ना दे। कोई मुझे तकलीफ ना दे। क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए फिरता हूं। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। ये कलाम जो मैंने आज पढ़ा है आपके साथ इसको जब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम तो इंग्लिश में इसको पढ़ दें अगर किसी के पास इंग्लिश में आ जाओ। फ्रॉम नाउ ऑन लेट नो वन ट्रबल मी। फ्रॉम नाउ ऑन लेट नो वन ट्रबल मी। अब आगे से वो आगे से है मतलब वही है कि आज के बाद अब के बाद इस वक्त के बाद फ्रॉम नाउ ऑन नो वन ट्रबल्स मी। आगे चले। फॉर आई बेयर इन माय बॉडी द मार्क्स ऑफ द लॉर्ड जीसस। आई बेयर ऑन माय बॉडी द मार्क्स ऑफ माय जीसस। आमीन। सो ये जो इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं और
आज थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं वो है कि when we are in the wilderness, जब हम बियाबान में होते हैं तो उस बियाबान में से हम किस तरह से गुजर सकते हैं और हमारी जिंदगी में जो बियाबान आते हैं उनको हम डील किस तरह से करते हैं, किस तरह से उनमें से गुजर सकते हैं। सो ये बिल्कुल वही बात है कि अब आगे से मुझे कोई चीज ना सताएगी। फ्रॉम नाउ ऑन, से फ्रॉम नाउ ऑन, आगे से सबसे पहला काम यहां पे जब हम देखते हैं कि आगे से कोई चीज, आगे से कोई चीज, मतलब ये समझ लें कि जो जिंदगी में हमारी वक्त आते हैं मुसीबत के, परेशानी के, या कई बार वो लिंगर ऑन करते हैं टाइम, कोई समझ लें कि कई बार हेडेक ही शुरू हो जाएगी बार और कई दिन हेडेक रहती है और हेडेक जो है वो चीखे निकलवा देती है, हल्की सी दांत में दर्द हो चीखे निकलवाती है और उस वक्त हमें और कुछ नहीं सूझता। कई बार हो सकता है कि हम बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं, आमीन। लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो आज हम सीखना है हमने वो ये है कि आगे से मुझे कोई चीज ना सताएगी, आगे से, नाउ ऑन। सो नाउ ऑन जब हम कहते हैं कि आगे से, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम जो है, द टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू, जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं उस वक्त में वी नीड टू कन्फेस द पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव कन्फेशन जो है इन योर प्रेजेंस, पॉजिटिव कन्फेशन इन योर प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से पॉजिटिव कन्फेशन इन योर प्रेजेंस, इन योर प्रेजेंस, प्रेजेंट टाइम जो है, द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम द पॉजिटिव कन्फेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हैं, आपको हमें मालूम नहीं होता कि बहुत से लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा ना हो कि जब आप, मैं और आप, हम लगता है इस तरह के हम इस दुनिया में चल फिर रहे हैं, हम खुदा के पाखरू से पैदा भी हुए हैं, खुदा का मसा हमारे ऊपर है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम बाहर जाते हैं, घर में भी हैं, जब बाहर हैं, जब जहां कहीं भी हैं, हमारे ऊपर जो साया है, तुम्हारा जो हमारे ऊपर साया है, ये शैतानी कुप्तों का साया। हेलो, God is in the third heaven. हेलो, फजा में, हवा में सारी गंदी कूफते जो है वो हवा में है, सारी गंदी आत्माएं जो है वो हवा में है। तो ये खुदा का फजल है कि खुदा हमें संभाले रखता है। जिस तरह 91 जबूर में लिखा है कि मैं हक ताला के पर्दे में रहता हूं। किसके पर्दे में रहता हूं? जो अति महान खुदा है उसके पर्दे में मैं रहता हूं। आई ड्वेल अंडर द विंग्स ऑफ द ऑलमाइटी, मैं उसके पर्दे में रहता हूं, उसके पर्दे में रहते जरूर है। लेकिन जब हम पर्दे में रहते हैं तो पर्दे में रहने के बाद गॉड हैज गिवन अस द अथॉरिटी टू डील विद दिस थिंग्स, आमीन। पर्दे में हम रहते हैं लेकिन हमारे ऊपर जो जो साया है वो गंदी रूहों का रहता है, गंदी रूहों का साया रहता है। सो जब गंदी रूहों का साया है तो जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत या कोई तंगी आ गई, जो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आई हैव टू मेक अ पॉजिटिव कन्फेशन इन माई प्रेजेंट टाइम। व्हेन आई एम कन्फेसिंग पॉजिटिव थिंग, प्रॉब्लम है मेरे ऊपर, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उधरी है, बट इन द मिड्स ऑफ माई प्रॉब्लम, 44 जबूर में लिखा हुआ है कि तू मुसीबत के वक्त मेरा मुस्तैद मददगार है। मुस्तैद मददगार का मतलब होता है एन वक्त पर मदद करने वाला। कब? कम ऑन, मुसीबत के वक्त। तो मुसीबत के वक्त
मुस्तइद मददगार कौन है? खुदा। तो जब खुदा का मुस्तइद मददगार खुदा है, तो अगर आप कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं पाक रूह से पैदा हुआ हूं, पाक रूह किसे मामूर हूं, तो पाक रूह आपके अंदर है, तो तसलीस जो है, ट्रिनिटी इज इनसाइड ऑफ यू, देन उस मुसीबत के वक्त आप मुसीबत के वक्त मुस्तैद मददगार से तो मदद ही मांगते हैं। आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम के मुताबिक अब आगे से मुझे कोई चीज ना सताएगी। व्हाट इज इट? द प्रेजेंट टाइम। मुसीबत आप है, उस मुसीबत के दरमियान, उस मुसीबत में जब फंसे हुए हैं, मुब्तला हैं, उस मुसीबत में यू नो शैतान जो है, ही ऑलवेज अटैक योर सोल। दर्द हुई आपको, यू आर इन पेन, और उस पेन में सैतान स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सोल। अब बता, दर्द हुई है, अब तेरा हाल क्या है? किधर है तेरा खुदा? ये दर्द तुझे ले जाएगी या तुझे बिस्तर पे लटा देगी या खत्म कर देगी तुझे? उस वक्त, दैट इज द टाइम when we have to submit our spirit into the hand of the Holy Spirit. वही वक्त होता है कि जब हम अपनी रूह को जो रूह हमारे अंदर पाक रूह जो है, हम अपनी रूह को उसके हाथों में सौंपते हैं। We submit our spirit under the hand of the Holy Spirit. और Holy Spirit जो है अब आपको convict करेगी। कन्विक्शन क्या होती है? कन्विक्शन ये होगी कि अब जो तेरे सोल में, तेरी फीलिंग्स में, तेरे थॉट्स में, तेरे डिजायर में, तेरे माइंड में, तेरे इमोशंस में शैतान ने जो नेगेटिव चीज डाल दी है, यू हैव टू स्पीक द पॉजिटिव वर्ड वेयर इन द सोल एरिया। अपनी जान में, अपनी जान में, मी एंड यू हैव टू स्पीक इन टू द सोलिश एरिया। वेन यू आर इन ट्रबल, वेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, वेन यू आर गोइंग थ्रू द विल्डरनेस, जब आप बियाबान में से गुजर रहे हैं, बियाबान में से गुजर रहे हैं, उस वक्त ये कहने की जरूरत है कि अब आगे से मुझे कोई चीज ना सताएगी। यू नो व्हेन वी स्पीक पॉजिटिव वर्ड इन द मिडस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, जब हम अपनी मुसीबत के दरमियान पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करते हैं, पाखरू जो है वो आपको कन्विक्ट करेगी। अच्छा बेटा, अब ये कलाम बोलना शुरू कर के जब खुदावन मेरे साथ है तो कौन मेरे मुखालिफ हो सकता है? जब खुदावन मेरे साथ है तो कौन मेरे मुखालिफ हो सकता है? What are you doing? Under the submission of the Holy Spirit, you are speaking through your mind. Amen. Yes. Positive confession. Positive confession. आप अपने माइंड से कह रहे हैं कि देख, मेरे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है, मेरे यीशु ने अपना खून मेरे लिए बहाया है, उसके मार खाने से मैं अच्छा हो चुका हूं। पॉजिटिव कन्फेशन, पॉजिटिव कन्फेशन इन द सोलिश एरिया। व्हाट इज हैपनिंग? यू स्पीक पॉजिटिव। आपने पहला काम यह करना है कि जब आपकी मुसीबत के वक्त आप फंसे हुए हैं, मुसीबत के वक्त खुदावन मेरा मुस्तैद मददगार है, हालेलुया, वो मुझे आगे पीछे से घेरे रखता है, उसका हाथ छोटा नहीं जो मुझ तक पहुंचता है। उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा मुझे मौत, बेशक मौत के साय की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। पॉजिटिव कन्फेशन पहली बात। दूसरी बात यहां पे वो कहता है कि
आगे से मुझे कोई चीज ना सताएगी। सबसे आपने ये अपने माइंड में तो बोला, साथ आप इन वर्ड्स को आप हवा में रिलीज करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। यू आर रिलीजिंग दोज वर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो स्पिरिट्स हैं वही परेशान करती हैं। और उनको जब आप कह रहे हो कि अब कोई हथियार जो मेरे खिलाफ तूने बनाया गंदी रूहो, सुन लो, यीशु के नाम में मैं आज तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूं, डांटती हूं, मेरे बदन पर से अपना गंदा हाथ उठाओ, क्योंकि मेरा बदन जो है वो यीशु मसीह की हैकल है। मेरा बदन जो है यीशु की हैकल है, मेरे बदन के तंबू के नजदीक, खैमे के नजदीक कोई बीमारी आ सकती, हटाओ यीशु के नाम में। पॉजिटिव कन्फेशन, यू आर रिलीजिंग दैट वर्ड। अब जब वर्ड रिलीज कर रहे हो तो क्या रिलीज कर रहे हो? आप खुदा के कलाम की तलवार को मार रहे हो, कट मार रहे हो, मार रहे हो, कट मार रहे हो उसको, कट मार रहे, कट उनको कट लगते हैं। जब आप कलाम बोलते हो कट लगते हैं उनको, आप हथौड़ा मार रहे हो खुदा के कलाम का, उसको चूर चूर कर रहे हो आप, खुदा के कलाम का पानी उसके ऊपर फेंक रहे हो, वह तब दबाओ दौड़। सेकेंड चीज जो है वो हम ये करते हैं कि हम अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं, और उन बीमारियों को, जिन बीमारियों के नाम है, वो नाम जो बीमारियों के हैं, उस बीमारी का या उस परेशानी का नाम लेकर बोलना शुरू करें। आमीन। जब आप ये करते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप उस बीमारी का नाम लेकर और उस तकलीफ का नाम लेकर, उस परेशानी का नाम लेकर उसको वॉर्न कर रहे हैं। यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग एंड यू आर वॉर्निंग, यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग एंड यू आर वॉर्निंग। वॉर्न किसको कर रहे हैं? सब चीजों के पीछे नहीं होती स्पिरिट्स, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स बहुत सी चीजों के पीछे स्पिरिट्स का हाथ होता है, बहुत सी चीजों के, ठीक है। सो सेकेंड थिंग इज वी डिक्लेयर इट। डिक्लेयर क्या कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, डिक्लेयर ये कर रहे हैं मैं अकेला नहीं हूं, मैं यीशु के खून में डूबा हुआ हूं, मैं यीशु के जलाल में डूबा हुआ हूं, आमीन। यीशु के कलाम की चादर मेरे ऊपर पड़ी हुई है, यीशु के जलाल में मैं छिपा हुआ हूं, यीशु के फिश्तों का पहरा मेरे चारों तरफ है, उन्होंने मुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है, मैं अकेला नहीं हूं, एंड आई एम वॉर्निंग यू नाउ। आप वॉर्न कर रहे हैं उनको, बीमारी को वॉर्न कर रहे हैं, तकलीफ को वॉर्न कर रहे हैं, तकलीफ को वॉर्न कर रहे हैं कि मेरी मुसीबत के वक्त मेरा मुस्तैद मददगार मेरे साथ है। तूफान बरपा हो कोई फर्क नहीं, आंधियां चले कोई फर्क नहीं, बादल गरजे कोई तो फर्क नहीं, धकेले आ धकेलते हैं वो धकेलते हैं, लेकिन उस जो आपका सफर जो है ईमान के सफर में, जब आप चल रहे हैं, तो जब आप चलते हैं तो आपके उस ईमान के सफर में आपके ईमान की रस्सी जो है वो आपने फेंकी हुई है, और एक सिरा उसका जो है वो खुदा के हाथ में है और एक सिरा आपके हाथ में है। जब आपको बाईं तरफ से उसने ठोकर मारी, आप गिरे हैं, लेकिन यीशु की अब हल्की सी आवाज आती, बेटा मैं तेरे साथ हूं, आप फिर से उठ खड़े हैं, हल्की सी झटका आता है उसमें से आपके ईमान की रस्सी में, आपके ईमान की रस्सी में आपको हल्का सा झटका मिलता है, आपको पता चल जाता है कि खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं है, खुदा का हाथ छोटा नहीं है, खुदा का हाथ मेरे सर के ऊपर है, खुदा ने मुझे थामा हुआ है, खुदा मेरे साथ इस मुसीबत में, खुदा मेरे साथ चल रहा है। यू आर डिक्लेयरिंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर वॉर्निंग द प्रॉब्लम, आमीन।
और जब वॉर्न करते हैं तो तीसरी चीज यहां पे आप ये करते हैं कि आप सब कुछ अपने जो कलाम के हथियार जो आपने पहने हुए हैं, जब आप बोलते हैं कलाम बोलना बहुत जरूरी है, सुने प्लीज, इसलिए कलाम को पढ़ना और कलाम को याद करना बहुत जरूरी है। हेलो, कलाम को पढ़ना और कलाम को याद करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। व्हाई? बिकॉज when you are going through the time of your problem, when you are going through the time of your distress, the Holy Spirit is going to convict you and He is going to put those words in your mind, in your spirit. वो खुदा का पाक रू जो है वो आपकी रूह में, वो ही कलाम जो खुदा का कलाम आपने पढ़ा है, जो खुदा का कलाम आपने याद किया है, वो ही कलाम जो है पाक रू आपकी रूह को याद दिलाता है और आपकी रूह जो है वो पाक रू के सबमिसिव होके तो बोलना शुरू करती है। तो वो कलाम के हथियार जो है वो हम अपने दुश्मन को दिखाना शुरू कर देते हैं। यू नो दाऊद जो था, जाति जूलियत जो है, जाति जूलियत ने उसके जो आप पढ़े तो उसकी तलवार भी किसी ने उठाई हुई है और बड़े भारी भारी पीतल का खोद, पीतल के कपड़े, पीतल के सब कुछ, पता नहीं कैसे उठाता होगा, देखो चलता कैसे होगा, हमें नो आइडिया। ठीक है, बख्तर जरूरी है लेकिन खुदा के कलाम का बख्तर जो है ये सब बख्तरों से ज्यादा। वो उसको दाऊद को साउल बादशाह ने, दाऊद कहता है कि बादशाह घबराओ मत, मैं लड़ूंगा इसके साथ, तो उसकी तरफ देख के तू तो बच्चा ही है। एंड ही वॉज ओनली आई थिंक 17-18 ईयर्स ओल्ड, 17-18 साल का था तब, और खूबसूरत था दाऊद और बहुत ऊंचा कद नहीं था उसका, 5'6", 7" इतना था, लेकिन वो उससे डबल था, वो तकरीबन 10 फुट, तकरीबन 10 फुट का था। और जब दाऊद ने कहा कि बादशाह घबरा मत, ये होता कौन है, लश्करों के खुदा की फौजों की फजीलत करने वाला, इसकी जरूरत किस तरह से पड़ी कि खुदा की फौजों को और खुदा के नाम को धिक्कारेंगे। उसके अंदर खुदा की जो जीत थी, गैरत जो उसके अंदर थी वो जागी और उसने कहा मैं लड़ूंगा इसके साथ, मैं लड़ूंगा इसके साथ। कहते तू बच्चा है बेटा, कहता बादशाह मैंने अपने बाप की भेड़ों को शेरों के और भालू के पंजों से इन नंगे हाथों से छुड़वाया है, ये उनमें से एक जैसा होगा, ये उनमें से एक जैसा होगा। कहता चले ये बख्तर पहन ले, उसने पहना उसको फिट ही नहीं आया। एक बात सुने प्लीज, अनॉइंटिंग जो है ना इस मेड टू मेजर। हेलो, अरे मैं समझे, अनॉइंटिंग जो होती है इस मेड टू मेजर, आपका नाप लिया गया और आपका नाप लेके आपके लिए दिया गया। किसी के कपड़े आप नहीं पहन सकते, किसी की अनॉइंटिंग पे आप काम नहीं कर सकते, किसी की अनॉइंटिंग पे आप काम नहीं कर सकते, यू हैव टू अर्न योर ओन अनॉइंटिंग। अपना मस्सा आप लेना है और उस मस्सा में बढ़ना है। दाऊद ने कहा ना बादशाह ये काम नहीं हो सकता, उसने कपड़े उतार दिए, अब जो उस पे जो मस्सा था, मस्सा के तहत
उस मस्सा के तहत होली स्पिरिट गाइडेड है। होली स्पिरिट ने उसको गाइड किया, चल रोट अपनी लाठी ले चरवाहे वाली, आमीन, अपना थैला ले, अपना फलाफुल ले, गुलेल अपनी, पांच पत्थर उठाए थे और उन पांच पत्थरों में से एक पत्थर जब उसने लिया उसमें से और जब वो बढ़ा तो जाति जूलियत जो है वो उसकी तरफ देखकर उसने अपने आप को गालियां निकालनी शुरू कर दी। हेलो, उसने अपने आप को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि मैं कुत्ता हूं क्या, तू मुझे पत्थर और लाठी से मारने आया, मैं लेकिन कहता कि आज मैं तेरा मांस हवा के पंदों को खिलाऊंगा। कहता तू तो भाला बर्छियां तलवारें ले गया लेकिन मैं लश्करों के खुदा के नाम में आता हूं और आज तेरी ही तलवार से तेरी गर्दन को काटूंगा। What did he do? He confessed positive. Amen. At that present time. Yes. Amen. He confessed positive at that present time. And he declared. Amen. कि तेरे हथियार जो है ये कुछ भी नहीं है। Hallelujah. तेरे हथियार कुछ भी नहीं है, मैं लश्करों के खुदा के नाम से बढ़ता हूं। और जैसे ही उसने अपनी फलाहुन में एक पत्थर, अब सुने गौर से प्लीज, जब आप खुदा के नाम से खड़े होते हैं बशर्ते के खुदा के नाम से खड़े हो, हेलो, यस यस, बशर्ते के खुदा के नाम से खड़े हो, जब खुदा के नाम से खड़े होते हैं तो खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, जो कहता है कि मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, बेशक तू कहीं भी हो दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूं, मौत के बिस्तर पर भी तेरे साथ हूं, मौत के मैदान में भी तेरे साथ हूं, जंग के मैदान में भी तेरे साथ हूं। उसने उसी खुदा के नाम को लेकर अपने फलाखुन में जब पत्थर डाल के घुमाना शुरू किया, यू नो वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन अवर बैटल। यस, हमें पहला कदम हमें उठाना पड़ता है। हेलो, यस यस, कुछ भी करें कदम हमें उठाना पड़ता है। जब हम कदम उठाते हैं तो जैसे उसने घुमाना शुरू किया, एक बात सुने प्लीज, ऊपर से निशाना नीचे इजी लगा सकते हैं। हेलो, ऊपर से किसी को ऊपर से मारो ना पत्थर तो बिल्कुल सही निशाना बैठ सकता है, लेकिन नीचे से निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। यह ऑपोजिट ग्रेविटी, नीचे से निशाना लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर गॉड। जब उसने अपने यहोवा के नाम में अपने हाथों में फलाखुन को लेकर घुमाना शुरू किया तो खुदा का हाथ उसके हाथ के ऊपर आया और उसने घुमा के जब मारा तो खुदा ने बिल्कुल निशाना सही लगाया, सही निशाना लगा उसका माथे पे। यू नो सैटन कम्स विद द प्लानिंग, प्लानिंग इधर प्लानिंग बनती है, उसकी सारी प्लानिंग को रद्द कर दिया। आमीन, उसकी प्लानिंग को रद्द कर दिया, लेकिन कब, जब मैं और आप खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। जब मैं और आप खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं तब खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में होती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। अगर हम कहते हैं खुदा की मर्जी तेरी पूरी हो, लेकिन करते हैं हम अपनी मर्जी है। हेलो, यस यस, कहते हैं खुदा को, खुदा की तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन जब फैसलों की घड़ी आती है जब फैसलों की घड़ी आती है तब मर्जी हमारी होती है। राइट, तब मर्जी हमारी है और वो जब मर्जी हम करते हैं तो उसमें जब मार पड़ती है
तो फिर हम कहते हैं लो जी हम तो दुआ भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सब कुछ दिखावे के लिए होता कई बार। गॉड नोज अवर हार्ट, खुदा हमारे दिलों को जानता है, गुर्दों को पहचानता है, हमारी सोचों को जानता है। आमीन। अब ये जो पॉजिटिव कलाम की बात जो है कि अब आगे से कोई चीज मुझे ना सताएगी। अब देखें कौन बंदा है जो मौत के बिस्तर पर भी पड़ा हो तो इतना पॉजिटिव बोल सकता है। हेलो, कौन है? हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन कब? जब हम टोटल सरेंडर करके खुदा के हाथों में अपने आप को दे देंगे, और वो ही वक्त होता है। एक और बात है, कई बार हम एक आयत जो है मत्ती 11:28 में कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ के नीचे दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें, All you who labor and are heavy laden, come to me and I will give you rest. Come to me means the burden you are carrying, the burden जो बोझ तुम उठाते हो, तुम उठाए फिरते हो, ये बोझ मुझे दे दो। लेकिन कई बार होता क्या है, बोझ हम दे देते हैं, बोझ दे के भी हम खुदा को गाइड करते हैं, फिर हम हेलो बोझ दे देते हैं, बोझ देकर भी हम खुदा की प्लानिंग में इंटरवीन करते हैं, उसमें दखलंदाजी करते हैं, यानी थोड़ा सा ऐसे कर दे, थोड़ा सा ऐसे कर दे। अब एक बात का जवाब दे मुझे, किसी कोई केस चल रहा हो आपका, सपोज करें आपका कोई केस चल रहा है तो आप एक वकील करते हैं। वकील क्यों करते हैं आप? क्योंकि वो लॉ को जानता है, ठीक है, वो लॉ को जानता है, और आप वकील को उसको हायर करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, अपनी सारी स्टोरी बताते हैं उसको, और सारा कर करा के उसको एडवांस भी देते हैं, और अब जब वो केस ले लेता है तो हम उसे कहते हैं वकील साहब आपके हाथों में सब कुछ। अब वकील साहब ने जब हाथों में दे दिया तो आप दूसरे दिन या दूसरे हर दूसरे तीसरे दिन फोन करके, वकील साहब इस केस में थोड़ा सा ऐसे कर लें आप प्लीज, थोड़ा सा ऐसे कर लें प्लीज, थोड़ा सा ऐसे कर लें, गुस्सा हो जाएगा वो, कहना बीबी भराओ अपने पैसे फड़ ते आपे लड़, केस अपना आपे लड़। जब खुदा को आपने अपना केस दे दिया, अपने बोझ दे दिए हैं, इंटरफेरेंस बंद, इंटरफेरेंस बंद, अब आगे से मुझे कोई चीज ना सताएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बोझ जो है वो मसीहा की सलीब के कदमों में रख दिया। अब प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को आप अपनी जिंदगी में रास्ता मत दिखाएं। हेलो, प्रॉब्लम आ गई, जब आपने मसीहा को बोझ दे दिए हैं, प्रॉब्लम आएगी, फिर से आई है, उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी में रास्ते मत दिखाएं, उसको कहना शुरू करें, हे मैंने अपने बोझ यीशु मसीह को दे दिए हैं, ही इज माई एडवोकेट, कम ऑन, वो मेरा वकील है, उसके साथ जाके बात कर, यू डायरेक्ट योर प्रॉब्लम, स्पीक टू योर प्रॉब्लम एंड सेंड योर प्रॉब्लम्स टू जीसस। और जब इस तरह से करना शुरू करेंगे फिर आप अपने खुदाबंद के आराम में बैठे रहेंगे। अदरवाइज
Amen. 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 I think मैं इसको इधर ही खत्म करता हूँ. मैंने वो करना था दूसरा भी बियाबान का, लेकिन फिर से God bless you. God bless you. एक बार आए बोले मेरे साथ मिलके, अब आगे से कोई चीज मुझे ना तकलीफ दे क्योंकि मैं अपने बदन पर यीशु के दाग लिए फिरता हूँ. अब ये दाग कौन से हैं? हाँ जी, हाँ जी बोले सारे अपने अपना बताएं, दाग कौन से हमारे? ठीक है, हमारे गुनाह के, हमारे जख्म के जो जितने भी निशान है हमारे गुनाह के. ठीक है, बोलते जाएं और कोई? यीशु के दाग जो है, यीशु के दाग जो खून के दाग, खून के दाग बिल्कुल सही. ठीक है, यीशु के खून के दाग है. यस आमीन. यीशु के खून के दाग है और वो दाग जो है उन दागों से हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां, हमारे गुनाह धुल चुके हुए हैं. धुल चुके हुए हैं, याद रखें. जो रूहानी आलम में शिफा हमें मिल चुकी हुई है 2000 साल पहले, तो जिसमें हम कई अपनी गलतियों से ज्यादा, तो अपनी गलतियों से होता है काम. ठीक है कि नहीं? तो लेकिन खुदा रहीम खुदा है, रहम करने वाला खुदा है, वो फिर भी रहम करता है. आमीन. आमीन. यस. आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और रोहो देख लेना सखाइला को खुदावंत की मार के लिए, खुदावंत की सलीब के लिए, खुदावंत की कोड़ों की मार के लिए, खुदावंत के लहू के लिए. वो जो लानत से वाकिफ ना था, पाप से वाकिफ ना था, मेरे लिए पाप बन गया, मेरी लानतों को अपने ऊपर ले लिया, अपने बदन को जिस बदन में किसी किस्म का कोई पाप ना नहीं था, उसने उस बदन को छलनी छलनी करवाया. उसके लहू की एक एक बूंद जो बही, जब हम अपने बदनों पे लिए फिरते हैं तो उस लहू की आग को देखकर बीमारियां बदरूहें चीखती चिल्लाती दूर भागती है. हालेलुया. शुक्रगुजारी करनी शुरू करें. थैंक यू लॉर्ड. आपके बलिदान के लिए, आपकी कुर्बानी के लहू के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और आपके जिंदा कलाम के लिए जो आपने हमें जिंदा कलाम दे दिया, ताकि इस कलाम की चादर में लिपटे रहे, इस कलाम के नवाले खाते रहे, इस कलाम की रोटी को खाएं, और इस कलाम को याद करके जब हम इस कलाम को अपने होठों से बोलते हैं तो इस कलाम की तलवार को देखकर गंदी रूहें, गंदी बीमारियां दूर भागती है. हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेटों और बेटियों के लिए. खुदावन में शुक्रगुजारी करता हूँ आपका शब्द आप बन गए. ओ शंका रब कमल अपने बात में रब के बात ओपन यश का बहुरा बखाएगा मेरा वो संदर रब सिख. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस. Thank you for your faithfulness. Thank you for your faithfulness. आपकी वफादारी के लिए,
वफादारी के लिए शुक्रगुजार, वफादारी के लिए शुक्रगुजार, वफादारी के लिए शुक्रगुजार। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। परमदावन आज आपके बेटों और बेटियों के बदन में या कहीं सोचों में या कहीं काम काज में कोई ऐसा पहाड़ जो है आज यीशु मसीह के नाम में, हर उस पहाड़ को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि छोड़ दबरे बेटों बेटियों को, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। और मेरे खुदावंद आपका आसमान आपके बेटों बेटियों के लिए खुल जाए, आपकी बरकतों से मामूर रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। आमीन। यू बीन ब्लेस्ड। आमीन। आमीन। यस। नो कलाम जो है वो तोड़ता है हमें, यस। कलाम जो है वो झाड़ियों को जलाता है, यस। कलाम जो है वो काटता है, कलाम जो है सफाई करता है, बहाता है चीजों को, जो चीजें नहीं चाहिए होती उनको बहा के ले जाता है। आमीन। तो ये एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइजेस है सब। दागे कलाम को पढ़ना एक्सरसाइज है, दुआ करते हैं एक्सरसाइज होती है, जब आप प्रस्तुति करते हैं एक्सरसाइज है, ये सब एक्सरसाइजेस हैं। जब इंटरसीड करते हैं किसी के लिए एक्सरसाइज है, जब आप फेलोशिप में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं ये भी एक्सरसाइज है। दीज आर द एक्सरसाइजेस। आमीन। याद रखें ये बातें, एक्सरसाइजेस है ये। एक्सरसाइज जो करता है मसल उसी के बनते हैं, मसल तो उसी के बनेंगे ना। कई लोग जिम में क्या कहते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन मेंबरशिप में बैठ जाते हैं मेंबर बन के, शिप मिलती नहीं है, उधर ही रहती है। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रूहानी एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ताकत लेनी है तो रूह में तगड़े हो। हाँ जी, रूह में तगड़े हैं तो जिससे में भी तगड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अच्छा जी, चले आप, हम अपने अपने बीज जो है वो खुदा की हजूरी में लेके आएंगे। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले हफ्ते भाई सुहेल ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ये चर्च बिल्डिंग जो हमने हायर की है, इसके लिए जो मैं आपको बता देता हूं, ये 400 पाउंड जो है महीने का इस हॉल का देते हैं, ठीक है। वो हॉल सिर्फ चाय के लिए इस्तेमाल करने के लिए है, लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे मजीद किसी काम के लिए तो उसका अलग देना पड़ेगा हमें। लेकिन फिलहाल ये ही जो हम यूज करते हैं 400 पाउंड जो है महीने का इस हॉल का देते हैं। तो कुछ भाइयों ने, कुछ फैमिलीज ने किए हैं, तीन चार मैंने देखे थे, अभी आए थे, स्टेटमेंट आई थी नहीं, तो तीन चार बहनों भाइयों ने किए हैं। दूसरों के पास मेरा ख्याल डिटेल्स आपको चर्च के अकाउंट की दी है, तो प्लीज 20 पाउंड जो है, एटलीस्ट 20 लोग हमें विद 20 पाउंड चाहिए, ये पूरा होना सिर्फ। तो कई बार नहीं पूरा होता तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, yes। लेकिन खुदावंद ने कभी प्रॉब्लम रहने में भी, शुक्र है खुदा का, आमीन। गॉड इज गुड। सो जो आपको, जिसको डिटेल्स नहीं मिली है वो हाथ खड़ा करें, अगर मिल गई आपको डिटेल्स तो प्लीज अपना स्टैंडिंग ऑर्डर जो है बना दें। 20
कम से कम अगर 30-40 करने हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है. बट दैट्स जस्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दिस चर्च हॉल. चर्च हॉल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है. हाँ जी, किन किन को डिटेल्स मिल गई है? ओके, ठीक है. जिन्होंने तो कर दी है वो ठीक है, जिनको जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर दें इसको, क्योंकि जो पिछले वो तो क्लियर कर दिया था हमने, लेकिन इस महीने से जो अकाउंट से जाने शुरू होंगे पैसे, ठीक है ना. तो वो वी नीड योर हेल्प, ठीक है. अच्छा, एक और बात बताएं, जितने भी आप आते हैं आपको बरकत मिलती है कि नहीं? हेलो, बरकत मिलती है कि नहीं? बरकत पाते हैं. यस यस, आवाज नहीं आ रही. यस, बरकत मिलती है. बरकत मिलती है. तो कलाम की बात मैं बताने लगा हूं जी, कि कलाम में जो आपके पेशवा हैं, जिनसे आप सीखते हैं, जिनसे आपको बरकत मिलती है, वो आपकी हर अच्छी चीज का हिस्सेदार हो. हेलो, आप पराठे खाओगे ना सुखिया दे. वी आर नॉट लुकिंग, वी आर नॉट लुकिंग एट यू, बट मैं ये प्रिंसिपल सिखाने की बात ये मत सोचे कि मैं हमारी आंख आपके ऊपर. नो, नहीं नहीं, कलाम की बात है. आपका भी वही खुदा है जो मुहैया करता है, और हमारा खुदा भी वही है जो हमें मुहैया करता है. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वी आर अ गिवर. मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे. हैं, छोटी छोटी चीज से मैं निकालता हूँ, कुछ भी 10 पाउंड भी आता हूँ उसमें से भी निकाल देता हूँ. I can show you. मेरा एक एक चीज का जो दाय की जाती है वो इसी चर्च में जाती है, इसी में है, ठीक है. तो प्लीज, आपको खुदा ने बरकत दी है. खुदा हम सब के लिए अपने आसमान खोलता है, लेकिन प्रिंसिपल जब हम समझ जाते हैं कि नहीं, देने का प्रिंसिपल जो है ये सब लोगों को समझ नहीं आती है. दो तो तुम्हें दिया जाएगा, किस तरह से? पैमाना तेरे पास जगह भी नहीं रहेगी. ये क्या है? ये अल्लाह के ओवरफ्लोइंग वो तुम्हारे पलड़े में डालेंगे. और वो जो है, ये हो सकता है आपके जहां काम करते हैं उनके मन में फेवर डाले हुआ, इंक्रीज मिलती है. यस यस, नो डाउट इंक्रीज मिलती है आपको. लेकिन हम खुदा के देने जो खुदा का हिस्सा है उसमें हम कंजूसी करते हैं, उसको हाथ में बंद करके रखते हैं. यस, मुट्ठी जिसकी बंद है, ये देखें, बीज इधर है तो ये क्या है? कम ऑन, दिख रहा है सबको? यस यस, बीज अंदर है मुट्ठी में, लेकिन मुट्ठी क्या है? बंद. मुट्ठी बंद रहेगी तो बीज होया जाएगा? नो. तो क्या करने की जरूरत है? ओपन. ये आप नीचे मुट्ठी खोलते हो, खुदा की आसमान से मुट्ठी खुलती है. जैसे आपकी मुट्ठी जमीन पे खुलती है, आसमान से खुदा की मुट्ठी खुलती है. सिर्फ मुट्ठी ही नहीं खुलती, बल्कि उसके शाही खजाने भी खुलते हैं. मैं आज इसमें थोड़ा सा, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग गिविंग के बारे में. गॉड हैज टॉट मी सम वंडरफुल थिंग्स, मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगा.
लेकिन ये प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल सीखेंगे तो आपके फायदेमंद है। बहुत से लोग ये सोचते हैं लॉयर नूं लोड है पैसे दी होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी पादरी गिविंग के बारे में टीचिंग देता है वो सबसे बेहतर काम करता है। क्लिसिया की बरकत के लिए गिविंग के बारे में जहां टीचिंग नहीं होती वहां बरकत नहीं होती है, लोग देते भी नहीं है, लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, चलो हाथ पाओ जो आपसे आगे पाप क्योंकि एक दिन सारे निकल आते ने उधर फिर बड़ी तकलीफ होती हाथ पाया वो सारे वो एक ही हो गए जेब जी बोलते रहते एक दो तीन बस ठीक है नहीं आम जो कहेंगे तो हम पता ना मजाक भी कर लो हाँ जी। लेकिन टीचिंग जो है गिविंग के बारे में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अपने अपने बीज दें और खुदावंत के नाम को जलाओ दें, ठीक है। मेरा सब कुछ है तेरे लिए, मेरा सब कुछ है तेरे लिए, मेरा सब कुछ है तेरे लिए, मेरा सब कुछ है तेरे का सिंगार किया
प्यारे खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेटों बेटियों ने जो बीज बोया इस बीज को आपके हाथ में रखते हैं ये बीज जिसमें इनकी जरूरतों की फसल पिन्हा है इसको आपके हाथों में देते हैं और जब ये आपके हाथों को छूते हैं और प्यारे खुदावंद ये बीज कसरत से फल लेके आए आपके बेटों और बेटियों के खतों में घरों में रखने का भी जगह न हो आपकी मुबारक मुट्ठी इनके लिए खुली रहे आपके शाही खजाने इनके लिए खुले रहे और इनके होठों पर हमेशा शुक्रगुजारी इसी तरह से रहे और खुदा का नाम हम सब की जिंदगी से इसी तरह से जला पाता है यीशु मसीह के नाम Amen. Hallelujah. एक छोटा सा गीत मैं आपको सिखाना चाहता हूँ नया गीत है ये हम दो मिनट में खत्म करेंगे इसको साथ साथ तेरे साथ साथ वो साथ
है मेरे वो साथ साथ मेरे साथ साथ वो साथ है मेरे याद रखें आज जब यहां से हम जाते हैं तो ये याद रखें कि खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता वो हमेशा हमारे साथ है हर मुसीबत में हमारे साथ है तंगी में हमारे साथ है खुशी में हमारे साथ है बहरे कुलदम आगे आए लाल समुद्र सामने आए दुश्मन फौजें लेकर ऊपर चढ़ाए लेकिन खुदा हमारे साथ है आमीन आइए खड़े होते हैं खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जस्ट प्रे करेंगे ब्लेसिंग की इधर होगी ब्लेसिंग होगी सैटरडे फ्राइडे थैंक यू जीसस खुदावंद आज के दिन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं सारा जलाल आपको देते हैं आपके बेटे बेटियां खुदावंद जब आज आपके कदमों में बैठे हुए हैं आपकी हजूरी में आए हैं आपने हमें रूह जिस्म जान में बरकतों से मालामाल किया है शुक्रगुजारी करते हैं सारी बरकत जो आज हमने हासिल की है कलाम की रोटी जो हमने खाई है कलाम का बीज जो हमारी जिंदगियों में बोया गया इसको यस्सु के लहू से सील कर देते हैं इसको चोर चुराने नहीं पाएगा बल्कि इस पे हम अमल करेंगे और अपनी बरकतों को हासिल करेंगे सारा जलाल आपको देते हैं यस्सु मसीह नासरी आमीन खुदा की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लेंगे हैं हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं आपका नाम पाक होना जाए आपकी बादशाहत आए आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए और इस तरह से हम अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों में माफ करें हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं क्योंकि बादशाह और कुदरत का दरबार हमेशा तक आप ही का है आमीन सब्र के कहें अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे आमीन गॉड ब्लेस यू आमीन एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं वो ये है क्योंकि अभी थोड़ा सा मसला है एक कोरोना का अभी क्या अगर तो चाय पानी हो तो उधर जाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम केयरफुल रहे एक दूसरे से मिले जरूर सबको लेकिन थोड़ा अपनी केयर आप खुद करनी है हम वहां पे जाके खड़े होते हैं आप मिले बाहर ठीक है जी उतनी देर इधर ही खड़े रहे इधर आप पीछे जाते हैं हाँ इधर ही खड़े रहे हमें जाने देना ठीक है जी गॉड ब्लेस